हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज मेरे पिछले सीक्रेट स्केरी लोकेशंस वाले वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, जिसमें आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये भी बोला कि मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊं। तो गाइज आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद आज मैं आपको बताने वाला हूं GTA सीरीज के 10 और सीक्रेट एंड स्केरी लोकेशंस के बारे में, जो कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो गाइज अगर आपको गेमिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप आगे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस न कर पाओ। नंबर 10 पे है हिल वैली चर्च GTA 5 से। अब ये लोकेशन हमारे GTA कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि कई सारे लोगों ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि जब GTA 5 2013 में लॉन्च हुआ था, तब इस लोकेशन पे घोस्ट स्पॉन हुआ करते थे। ये घोस्ट भी बिल्कुल माउंट गॉर्डो वाले घोस्ट की तरह ही होता था। अब अगर हम इस लोकेशन को देखें तो ये उतना ज्यादा भी क्रीपी नहीं है, क्योंकि चर्च पूरी तरीके से पेंटेड है और ये सिटी से ज्यादा दूर भी नहीं है। चर्च के बगल में एक सिमेट्री है जो कि रात में डरावनी लगती है। लेकिन इस लोकेशन की जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो ये कि अगर आप इस चर्च में रात के समय पे आते हो तो यहाँ पे कभी कभी आपको बेल की आवाज सुनाई देगी, और इसी के साथ साथ यहाँ का वेदर भी फॉगी हो जाता है, जो कि मुझे लगता है इनफ है किसी नॉर्मल प्लेस को क्रीपी बनाने के लिए। नंबर 9 पे है हॉन्टेड स्प्रंग फैक्ट्री GTA 4 गेम से। अब जिन लोगों ने GTA San Andreas, GTA 4 या फिर GTA 5 को खेला है, उन्हें पता होगा कि गेम के अंदर स्प्रंग नाम के कोल्ड ड्रिंक को डाला गया है, जो कि रियल लाइफ के स्प्राइट से इंस्पायर्ड है। अब स्प्रंग की एक अबेंडेंड फैक्ट्री भी है GTA 4 गेम के अंदर, जो कि GTA 4 गेम के सबसे डरावनी प्लेस में से एक है और GTA 5 के मेंटेनेंस टनल से बहुत ही ज्यादा सिमिलर भी है। अब अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को देखा होगा तो मैंने आपको उसमें GTA 5 के मेंटेनेंस टनल के बारे में बताया था, जिसमें किसी के फुटस्टेप्स और हंसने की आवाज सुनाई देती है। तो GTA 4 के इस स्प्रंग फैक्ट्री में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप जब इस फैक्ट्री को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कई सारे स्ट्रेंज नॉइसेस सुनाई देंगे, जैसे कि किसी डोर का क्लोज और ओपन होना। इसी के साथ साथ आपको फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देगी, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लगती है, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं होता है। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे गोली चलाते हो तो यहाँ पे किसी रैंडम पर्सन की आवाज सुनाई देती है, जो कि बोलता है प्लीज लीव। गाइज नंबर 8 पे है होबो टनल GTA 3 गेम से। अब आप सभी लोगों को ये अंदाजा तो जरूर हो गया होगा कि ज्यादातर जो हॉन्टेड लोकेशंस होते हैं गेम के अंदर, वो सभी टनल्स में ही लोकेटेड होते हैं। तो GTA 3 गेम के अंदर भी एक ऐसा ही टनल है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। अगर आप इस टनल के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको 4 होमलेस NPCs दिखेंगे, जिनके पास मोलोटोव कॉकटेल होता है। अब यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्रेंज है वो ये है कि अगर आप इस लोकेशन पे किसी भी टाइम पे आते हो तो भी आपको ये 4 होमलेस सिर्फ इसी जगह पे दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ अगर आप इन्हें मारने की भी कोशिश करोगे तो ये खुद को डिफेंड भी नहीं करते और ये हमारे प्लेयर को अटैक भी नहीं करते हैं। और ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि अगर आप इनके अलावा किसी और NPC पे अटैक करते हो तो वो या तो भाग जाएंगे या फिर आपसे फाइट करेंगे। अब बात आती है कि ये चारों होमलेस आखिर इस टनल में कर क्या रहे हैं। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि GTA 3 गेम के अंदर टेररिस्ट भी होने वाले थे, लेकिन उन्हें बाद में गेम से रिमूव कर दिया गया। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये चारों होमलेस टेररिस्ट हो, क्योंकि इनके हाथों में बॉम्ब्स भी होते हैं। गाइज नंबर 7 पे है मर्ल अब्राहम्स हाउस। मर्ल GTA 5 का एक साइको किलर है, जिसने 8 लोगों को गेम के अंदर मार दिया था और उनकी बॉडीज को छुपा दिया था। अब जब उसे अरेस्ट किया गया तब उसने कभी भी कन्फेस नहीं किया कि उसी ने 8 लोगों का मर्डर किया है। इसी के साथ साथ मर्ल नंबर 8 से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था, जिसकी वजह से कॉप्स ने इसे इन्फिनिटी किलर का नाम दे दिया। अगर हम इसके हाउस पे जाते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी है और इसके वॉल्स पे बहुत कुछ लिखा होता है। गेम में मर्ल के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, जिनमें से सबसे इंटरेस्टिंग रेफरेंस प्रिजन में है, जहाँ पे मर्ल ने वॉल पे एक्सप्लेन किया होता है कि उसने 8 बॉडीज को कहाँ पे रखा है। तो अगर आप इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेते हो तो आप इन बॉडीज को गेम के अंदर ढूंढ पाओगे। गाइज नंबर 6 पे है मास ग्रेव GTA San Andreas से। अब GTA San Andreas में ये लोकेशन बहुत ही ज्यादा क्रीपी और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बहुत ही मिथिकल लोकेशन के बीच में लोकेटेड है, जिसमें से पहला है एरिया 69 और दूसरा है घोस्ट टाउन। तो मास ग्रेव जिस लोकेशन पे लोकेटेड है उसका नाम है एल कस्टिलो डेल डियाब्लो, जिसका ट्रांसलेशन होता है द डेविल्स कैसल। तो अगर आप इस लोकेशन पे आते हो तो आपको यहाँ पे एक गड्ढे के अंदर 6 बॉडीज दिखाई देंगी, जिन्हें एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि ये एरिया 69 के एलियंस ने किया है, क्योंकि मास ग्रेव एरिया 69 के बहुत क्लोज है। और जिन लोगों को नहीं पता, एरिया 69 रियल लाइफ एरिया 51 की पैरोडी है, जिसे गेम के अंदर फन के लिए डाला गया है। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इन बॉडीज का कनेक्शन घोस्ट से हो, क्योंकि घोस्ट टाउन भी मास ग्रेव के बहुत क्लोज होता है। लेकिन रॉकस्टार गेम्स ने इसका एक्सप्लेनेशन अपने वेबसाइट पे ये दिया है कि 1862 में एक हेनरी बोल्ट नाम का कर्नल था, जो कि अपने स्क्वाड को लीड कर रहा था लास ब्रांकस पे अटैक करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका यूनिट एक गड्ढे में गिर जाता है और यहाँ पे सबकी डेथ हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि ये सारे ही ग्रेव्स
स्टेयर्स उनके यूनिट को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है। लेकिन एक चीज मुझे अभी भी समझ में नहीं आई और वो ये है कि सोल्जर्स को ऐसे ट्रिब्यूट कौन देता है। ऐसी स्ट्रेंज चीजें हमें सिर्फ GTA सीरीज में ही देखने को मिलेंगी। गाइज नंबर 5 पे है स्टैचू ऑफ हैप्पीनेस GTA 4 गेम से। अगर आप स्टैचू ऑफ हैप्पीनेस पे हेलीकॉप्टर से जंप करोगे तो आपको यहाँ पे एक क्लोज डोर दिखेगा जिसके आप आर पार जा सकते हो, और यहाँ पे एक लैडर होता है जिसे अगर आप क्लाइम कर लेते हो तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा हार्ट दिखेगा जो कि चेन से बंधा होता है और बीट कर रहा होता है। अब ये लोकेशन बहुत ही ज्यादा क्रीपी है क्योंकि इस लोकेशन को ना तो कभी गेम में यूज किया गया और ना ही इसे गेम में कहीं मेंशन किया गया है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अगर आप GTA 4 के DLC में अपने प्रोटैगनिस्ट को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देते हो जो कि रेयरली मरने के बाद इस स्टैचू के अंदर स्पॉन हो जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोकेशन आफ्टर लाइफ हो सकती है गेम के अंदर। नंबर 4 पे है माइनशाफ्ट GTA 5 गेम से। माइनशाफ्ट गेम के अंदर एक अबैंडन माइन है जिसका यूज किया जाता था गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए। गेम के अर्लियर वर्जन में ये ओपन हुआ करता था लेकिन अब इसे गेम के लेटेस्ट वर्जन में क्लोज कर दिया गया है, जिसके अंदर आप तभी जा सकते हो जब आप इसे किसी एक्सप्लोजिव से फोड़ दो। अब माइन के अंदर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरावने लगते हैं, जैसे कि इसके पहले ट्रैक पे एक पर्सन की बॉडी होती है जिसे अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन 90s के टाइम का है लेकिन फिर भी इसकी बॉडी किसी तरह से प्रिजर्व्ड है। इसी के साथ साथ अगर आप इसकी बॉडी को देखने के बाद टनल में और आगे जाते हो तो आपको किसी के स्क्रीम की वॉइस सुनाई देगी, और अगर आप टनल के अंदर किसी फ्लैशलाइट वाले गन को यूज कर रहे हो तो कई बार राइट क्लिक प्रेस करने के बाद भी फ्लैशलाइट चालू नहीं होता है और ओकेजनली ये फ्लिकर भी करते हैं। नंबर 3 पे है घोस्ट टाउन GTA San Andreas गेम से। अब इस घोस्ट टाउन को GTA San Andreas में लास ब्रूहास भी बोलते हैं, जिसे अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है द विचेस, यानी कि चुड़ैल। घोस्ट टाउन में बहुत सारे अबैंडन्ड हाउस और वुडन बिल्डिंग्स मिल जाएंगे जो कि अबैंडन्ड होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक ग्रेवयार्ड भी है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा स्केरी लगता है। लेकिन इससे भी ज्यादा स्केरी जो चीज है वो ये है कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रेंज ग्लिच होता है जिसमें कई बार प्लेन्स डायरेक्टली क्रैश हो जाते हैं ग्रेवयार्ड पे, और ये चीज मेरे साथ पर्सनली हो चुकी है इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई ग्लिच नहीं है बल्कि ये इंटेंशनल हो सकता है। इसी के साथ साथ हम पुलिस कार में सुन सकते हैं जिसमें कुछ पुलिस वाले बोलते हैं कि उन्हें एक लेडी के बारे में पता चला है जो कि क्लेम कर रही है कि वो एक विच है। गाइज नंबर 2 पे है माउंट गॉर्डो कैंप साइट। अब माउंट गॉर्डो बहुत ही ज्यादा फेमस है जॉलिन क्रेनली के घोस्ट की वजह से, लेकिन ये लोकेशन भी कम स्केरी नहीं है। ये कैंप साइट भी माउंट गॉर्डो के बहुत पास में होता है जहाँ पे कुछ लोगों ने अपने कैंपिंग टेंट को अबैंडन कर दिया होता है। अब आप माउंट गॉर्डो की तरह यहाँ से भी घोस्ट को स्पॉट कर सकते हो लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसी के साथ साथ आपको घोस्ट की स्क्रीमिंग वॉइस भी सुनाई देगी जिससे हमें पता चलता है कि लोगों ने इस कैंप साइट को क्यों अबैंडन किया। गाइज नंबर 1 पे है ह्यूमन ऑर्गन शॉप GTA Vice City गेम से। ये लोकेशन बहुत ही ज्यादा क्रीपी और बहुत ही ज्यादा वियर्ड है क्योंकि ये गेम के अंदर एक ऐसी शॉप है जहाँ रियल ह्यूमन ऑर्गन्स बिकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, जैसे कि ब्रेन, हार्ट या फिर आर्म। इसी के साथ साथ अगर आप इस शॉप के पीछे जाओगे तो यहाँ पे किसी पर्सन की स्केलेटन होती है जिसका एक आर्म नहीं होता है, तो अगर आप वापस आकर शॉप पे देखोगे तो यहाँ पे एक आर्म सेल करने के लिए रखा होता है। तो इससे पता चलता है कि इस शॉप के ओनर रियल लोगों को मारकर उनके ऑर्गन्स निकालते हैं ताकि वो इसे सेल कर पाए। तो गाइज ये थे 10 स्केरी लोकेशन GTA सीरीज के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।